शक्ति में नर्ष हमारा नारा है, जीना है या मरना है, आज हमारा धरना है। रजनी पाटिल जी जिंदाबाद, रजनी पाटिल जी जिंदाबाद, रजनी पाटिल जी जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद। और कांग्रेस की तरफ से मैं आपसे विनती करता हूं, हमारा ये मसला जो है ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कांग्रेस जन्म से कांग्रेस नाम भी कांग्रेस है, लेकिन ये धरना जो है ये हमने कश्मीरी पंडित समुदाय और ये जो घर मुझे अभी दिखा रहे थे ये घर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में तो उन्होंने मांग की थी। और जितने भी कोशिश करेंगे कि आप पहले ही बहुत दुख में हैं तो आपके दुख में आशु पोष्ट का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मेरे ख्याल से हमारी नेता सोनिया जी इस विषय में बहुत सेंसिटिव है, जब कभी भी बोलती है तो पूछती है और उसके लिए बार बार पूछती है, तो मैं उनको ये सब बातें जरूर कहूँगी। जो आपने तीन बातें कही वो तीन बातें भी कहूँगी और उसके आगे आपको किस तरह से मदद मिल सकती है, किस तरह से आपको पुनर्स्थापित अपने अपने घरों में, क्योंकि कहीं पर भी जाओ, मैं अगर चार दिन के लिए भी यहाँ आ जाऊँ, इसको बोलते हैं कश्मीर स्वर्ग है, लेकिन उस स्वर्ग से मुझे मेरे घर जाने का मन करता है, मैं मेरे घर में मेरे परिवार में हमेशा की जगह जाए, तो मैं इस जान सकती हूँ कि जहाँ पर अपने लोग हैं, अपने अपना घर है, कैसे भी हो, छोटी झोपड़ी भी हो, लेकिन वहाँ पे हम जाए, अपना वतन उसमें जाए। आपकी जो भावना है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसके लिए अच्छा तरीका निकालना चाहिए, जिसमें नौकरी भी होनी चाहिए, आपको वहाँ पे संरक्षण भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वहाँ पे जाके फिर आप वैसे छोड़ नहीं सकते। तो हम कोशिश करेंगे विरोधी पार्टी की हैसियत से कि आपके लिए आवाज़ उठाए, चाहे वो लोकसभा में राज्यसभा हो, और यहाँ पे भी हमारे मीर साहब कांग्रेस पार्टी के मुखिया के नाते यहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। हम कल जा रहे हैं गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलने के लिए, उन्होंने टाइम दिया है, उनको भी उनके भी जहन में हम ये बात डालेंगे, उनको बताएंगे कि मैं यहाँ पे विजिट करके आई, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे से जितना होगा हम आपको मदद करेंगे।